Surprisingly, yeah. Not happy. Yeah, seriously, dude. हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉररलैंड। तो जो मूवी मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ, इस मूवी का नाम है मक, जो कि एक हॉरर थ्रिलर मूवी है, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे कुछ दोस्त एक सुनसान जगह पर फंस जाते हैं और जो वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं तो एक पुराने कब्रिस्तान से कुछ क्रीपर्स निकलकर उनके सामने आने लगते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसके आगे मूवी में क्या हुआ और ये सभी दोस्त वहाँ से बचकर निकल पाते हैं या नहीं। तो मूवी की शुरुआत में हम बिया नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो कि अपने दोस्तों को ढूंढते हुए जंगल में आगे बढ़ रही थी। फिर कुछ देर चलते चलते वो एक घर के सामने आकर रुक जाती है, जहाँ पर उसके दोस्त एक एक करके उसके सामने आने लगते हैं, जिनमें से एक दोस्त जख्मी था और उसका नाम था बिली। उसके पैर में चोट लगने की वजह से वो चल नहीं पा रहा था, लेकिन अभी भी उनकी एक दोस्त जिनका नाम एवा था वो गायब थी। दरअसल सभी दोस्त एक ट्रिप पर आए हुए थे, लेकिन उनकी बोट किसी चीज से अटक गई थी, जिस वजह से इन सभी का एक्सीडेंट हो गया था और ये सभी लोग अलग अलग हो गए थे और यहाँ पर आकर फंस चुके थे, जिसके बाद में ये सभी लोग मदद के लिए उस घर में जाने लगते हैं। बिली को उस घर तक पहुँचने में उसके गर्लफ्रेंड डिजायर और उसका दोस्त नोआ उसकी मदद करता है। जब सभी लोग उस घर के बाहर पहुँचते हैं तो उनकी मदद के लिए कोई घर से बाहर नहीं आता है, जिस वजह से ये सभी उस घर के अंदर चले जाते हैं। लेकिन बिली की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब थी, क्योंकि उसके पेट से लगातार खून निकल रहा था और ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि उसके पेट में एक लकड़ी घुस गई थी। इसलिए वो उनसे कहता है कि वो शायद ही बच पाएगा, लेकिन उसके दोस्त उसे समझाते हैं कि वे लोग उसे यहाँ से बाहर जरूर निकालेंगे और उसे हॉस्पिटल तक पहुँचा देंगे, जिससे कि वो जल्दी ठीक हो जाएगा। फिर वे सभी लोग बिली को घर के अंदर लाकर सोफे पर बिठा देते हैं और इन सभी की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुकी थी, जिस वजह से नोआ सबके लिए मदद लाने का कहता है। लेकिन नोआ की गर्लफ्रेंड काइली उसे पूछती है कि वो कहाँ पर और कैसे जाएगा, जिस पर नोआ उसे कहता है कि वो सड़क को फॉलो करता हुआ जाएगा और उसे लगता है कि कोई ना कोई उसे मिल जाएगा जो कि उसकी मदद करेगा और फिर वो जल्दी मदद लेकर वापस आ जाएगा। और उसके बाद काइली उसे अपना ध्यान रखने का कहती है और वो वहाँ से निकल जाता है। अब इधर डिज़ायर को एल्कोहल की बॉटल मिलती है, जिसे लेकर वो बिल्ली के पास में जाता है और फिर ये दोनों मिलकर उसे पीने लगते हैं। मदद लेने की कोशिश करता है, लेकिन वो दोनों काफी नशे में थी और नोआ की मदद करने से मना कर देती है। अब नोआ उस बार के अंदर जाता है जहाँ पर एक बर्थडे पार्टी चल रही थी। फिर नोआ वॉशरूम के अंदर जाकर खुद को साफ करने लगता है। वो बाथरूम से बाहर आकर अपनी जेब चेक करता है तो उसमें कुछ उसके बचे हुए पैसे थे। तभी एक लड़की उसके पास में आती है, जो कि उसे बताती है कि आज उसका बर्थडे है तो क्या वो उसके लिए ड्रिंक बाय करेगा, जिस पर नोआ उसे कहता है कि अगर वो अपना फोन उसे यूज करने देगी तो वो उसके लिए ड्रिंक बाय करेगा, क्योंकि उसे किसी को कांटेक्ट करना है। ये सुनकर वो लड़की मान जाती है और वो उसे अपना फ़ोन दे देती है, लेकिन वो उसे ये भी कहती है कि अगर वो उसके फ़ोन को लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करेगा तो उसका हस्बैंड उसके हड्डी फसले तोड़ देगा, क्योंकि वो यहाँ का गुंडा है। यहाँ पर डिज़ायर जब बाथरूम में ना रही थी तो हम देखते हैं कि कुछ लोग मिलकर एक लड़की को काट रहे थे, जिसके चीखने की आवाज़ें डिज़ायर को भी सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है। पर तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है जो कि बहुत ही क्रीपी सा दिख रहा था। उसके हाथ में एक एक्स थी, जिससे वो डिज़ायर के पेट में वार करता है और उसकी इंटेस्टाइन बाहर आ जाती है। फिर वो डिज़ायर की गर्दन पर मारता है और उसके बाद वो उसे घसीटते हुए अपने साथ में ले जाता है। दूसरी तरफ नोआ उस लड़की के फ़ोन से अपने कज़िन ट्रॉयड को कॉल करता है, जो कि अपनी गर्लफ्रेंड चैंडी के साथ में एक बार में था। वहीं पर उसे एक दूसरी लड़की भी मिल जाती है, जिसका नाम टेरा था, जो कि ट्रॉयड के पास में बैठी थी और उसे काफ़ी पसंद भी आ रही थी। ट्रॉयड नोआ का फ़ोन उठाता है और उससे बात करता है।
नोआ उसे बताता है कि वो और उसके दोस्त एक जगह पर फंस गए हैं जहाँ पर उसे उनकी मदद के लिए आना होगा। यह सुनकर ट्रॉइट उसे कहता है कि वो वहाँ पर नहीं आ सकता, जिस पर नोआ कहता है कि अगर वो वहाँ पर नहीं आया तो उनके एक दोस्त की जान भी जा सकती है, और इसे सुनकर ट्रॉइट वहाँ पर जाने के लिए मान जाता है। ट्रॉइट चैंडी को सारी बातें बताता है और कहता है कि उन्हें यहाँ से उसके कजिन और उसके दोस्तों के पास में जाना होगा ताकि वो उनकी जान बचा सके। इसके बाद में ट्रॉइट चैंडी और टेरा के साथ में वहाँ पर जाने के लिए निकलता है। बारटेंडर ट्रॉइट से पूछता है कि वे लोग कहाँ पर जा रहे हैं, जिस पर ट्रॉइट उसे कहता है कि वे लोग वेस्ट क्रेवन जा रहे हैं। ये सुनकर बारटेंडर उसे वहाँ पर जाने के लिए मना करता है क्योंकि उसके अकॉर्डिंग रात के समय उसे वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, वो जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं है और आए दिन वहाँ पर लोगों के साथ में कुछ न कुछ अजीब गरीब इंसिडेंट होते रहते हैं। लेकिन ट्रॉइट उसे कहता है कि उसका भाई वहाँ पर फंसा हुआ है और उसे उसकी मदद की ज़रूरत है, तो इसलिए वो वहाँ पर जा रहा है। यहाँ पर काइली को दो क्रीपर पकड़कर बांध देते हैं और उसके कपड़े फाड़ने लगते हैं और उसे यहाँ वहाँ टच करने लगते हैं। अब फिर नोआ वापस से अपने दोस्तों के पास में जाने लगता है, तभी रास्ते में उसे एक घर के अंदर एक लड़की दिखाई देती है जो कि कपड़े चेंज कर रही थी। वहाँ पर रुककर नोआ कुछ सोचने लगता है लेकिन फिर वहाँ से निकल जाता है। इधर ट्रॉइट दोनों लड़कियों के साथ में वहाँ से अपनी कार में बैठकर जाने के लिए निकल जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो क्रीपर बिली और म्या को भी पकड़ लेते हैं और उन्हें घसीटते हुए अपने साथ में ले जाते हैं। बिली उनसे बचने की कोशिश में उन पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वे लोग उल्टा बिली को ही बुरी तरीके से पीटने लगते हैं और फिर उसके ऊपर तेल डालकर उसे जिंदा ही जला देते हैं। और इस इंसिडेंट को देखकर मिया काफी ज्यादा डर जाती है और वहां से भाग जाती है। इधर हम डिजायर की चीखें भी सुन पाते हैं, वो देखते ही देखते वो भी अपना दम तोड़ देती है। दूसरी तरफ नोआ भागते भागते ग्रेवयार्ड में पहुंच जाता है जहाँ पर वो देखता है कि मिया उन क्रीपर से अपनी जान बचाने के लिए भाग रही थी, जिन्हें देखकर नोआ भी एक ग्रेव के पीछे छुप जाता है। फिर इन लोगों के वहां से निकल जाने के बाद में नोआ उस घर तक आ जाता है जहाँ पर जैसे आकर रुकता है तभी उनमें से एक क्रीपर काइली को भी खिड़की से फेंक देता है जो कि बिना कपड़ों के थी, जिसे देखकर नोआ घबरा जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आता है कि यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है। काइली की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो रही थी और वहाँ से रेंग कर निकलने की कोशिश कर रही थी। तब नोआ उसे जाकर संभालता है और उससे पूछता है कि ये सब कैसे हो गया, जिस पर काइली उसे बताती है कि कुछ क्रीपर घर में घुस गए और एक एक करके उन्होंने उनके सारे दोस्तों को मार डाला, और इतना बताकर काइली वहीं पर अपना दम तोड़ देती है। ये सब देखकर नोआ बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और उन लोगों से बदला लेने के लिए सोचता है जिन्होंने उसकी गर्लफ्रेंड के साथ में ये सब किया। नोआ अंदर जाता है और देखता है कि अंदर हर तरफ बस खून खून था। तभी वो क्रीपर नोआ के सामने आ जाता है और उसे भी उठाकर फेंक देता है। नोआ हिम्मत करके अपनी जगह से उठता है, जिसके बाद में उन दोनों के बीच में लड़ाई होने लगती है और नोआ उस क्रीपर की एक्स लेकर उसके ऊपर हमला कर देता है, जिसके बाद में नोआ काइली की लाश के पास में जाता है और उसकी लाश पर एक कपड़ा उड़ा देता है। फिर हम मिया को देखते हैं जो कि उन क्रीपर से अपनी जान बचाकर भाग रही थी। वो भागते हुए एक घर में जा पहुंचती है और उसे लगता है कि वो वहाँ पर सेफ रहेगी और वो एक जगह ढूंढकर वहाँ पर छुप जाती है। लेकिन तभी उसे उन क्रीपर की आवाज़ सुनाई देती है, जिससे उसे लगता है कि यहाँ पर भी उसकी जान को खतरा है, तो इसीलिए वो वहाँ से निकलने का सोचती है। जब वो वहाँ से बाहर निकलने लगती है तो एक क्रीपर एक पिचफोक से मिया के ऊपर अटैक कर देता है और उसके कपड़े फाड़ने लगता है, लेकिन किसी तरह मिया उस पिचफोक को उसके पेट में घुसा देती है जिससे कि वहीं पर मारा जाता है, जिसके बाद में मिया वहाँ से निकलने लगती है। तभी उसे पानी का एक पाइप टूट जाता है जिससे कि वो खुद की बॉडी पर लगे खून को साफ करती है। अब इधर ट्रॉइट भी अपने दोस्तों के साथ में टाउन में पहुंच जाता है जहाँ पर वो उन्हीं क्रिपल लोगों के ग्रुप को देखता है जो कि उसकी कार के सामने आकर उसका रास्ता रोककर खड़े होते हैं। चैंडी ट्रॉइट से कहती है कि उसे यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रही है, ये सभी लोग जो सामने खड़े हैं वो सभी एक जैसे और काफ़ी अजीब लग रहे हैं। चैंडी ट्रॉइट से फटाफट गाड़ी घुमाकर वापस चलने को कहती है, लेकिन ट्रॉइट उसे कहता है कि वो अपने भाई को यहाँ से लिए बिना नहीं जा सकता। पर तभी वो क्रीपर उनकी गाड़ी की तरफ आने लगते हैं और दोनों के ऊपर हमला कर देते हैं। फिर वो क्रीपर दोनों लड़कियों को कार के बाहर निकालकर उनके कपड़े फाड़ने लगते हैं और क्रीपर ट्रॉइट पर भी हमला करते हैं, लेकिन ट्रॉइट एक क्रीपर का हथियार छीनकर उसके ऊपर हमला करके उसे मार डालता है। लेकिन तभी दूसरा क्रीपर अपनी पावर से उस कार को पलट देता है, जिससे कि उनकी दोस्त टेरा कार के नीचे आ जाती है और कार के नीचे कुचलकर वो मारी जाती है। बाकी के क्रीपर वहां से भाग जाते हैं और अब सिर्फ चैंडी और ट्रॉइट ही वहां पर बचे हुए थे। ट्रॉइट ये देखकर हैरान था कि आखिर उस क्रीपर आदमी ने इतनी भारी गाड़ी को कैसे पलट दिया, लेकिन वो क्रीपर अभी भी जिंदा था जिसे ट्रॉइट ने हमला करके मारा था, और वो उठकर उनके पीछे आने लगता है, जिसके बाद में उन दोनों को नोआ दिखाई देता है और वो उसके पास में जाते हैं।
तो दोनों देखते हैं कि नोआ काइली की लाश के पास में रो रहा है, जिसे देखकर ड्रॉइड नोआ को समझाने की कोशिश करता है, जिस पर नोआ उसे बताता है कि काइली उसकी गर्लफ्रेंड थी जिससे वो जल्दी शादी करने वाला था, लेकिन उन क्रीपर ने उसे और उसके सभी दोस्तों को मार डाला। ये सुनकर ट्रॉइड ये कहता है कि उन्हें जल्दी से जल्दी अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से निकलना होगा, वरना सभी क्रीपर उन्हें ही मार डालेंगे। जिसके बाद में सभी लोग कुछ हथियार ढूंढने के लिए उस घर के अंदर जाते हैं, जहाँ पर अब मियाँ भी आ जाती है, जिसे देखकर नोआ को अच्छा फील होता है क्योंकि उसकी एक दोस्ती सही लेकिन वो सही सलामत थी। लेकिन मियाँ उनसे बार बार सिर्फ यही कह रही थी कि वे सभी मार्श यानी कि दलदल से डरते हैं। तभी अचानक से क्रीपर का ग्रुप उस घर में आने की कोशिश करता है और वे लोग मियाँ को पकड़ते हैं, जिनसे बचने के लिए मियाँ सीढ़ियों के ऊपर भागती है, लेकिन एक क्रीपर मियाँ के पीछे पीछे ऊपर तक चला जाता है और मियाँ को पकड़कर उसे काट डालता है और मियाँ के खून के छींटे चैंडी के ऊपर भी आ जाते हैं। ये देखकर चैंडी बुरी तरीके से डर जाती है, लेकिन ट्रॉइड उसके पास में उसे समझाने के लिए जाता है। तभी वो क्रीपर ट्रॉइड के गले में एक रस्सी डालकर उसे खींचकर उसे नीचे गिरा देता है। ट्रॉइड देखता है कि उन सभी क्रीपर ने ट्रॉइड को चारों ओर से घेर रखा है, लेकिन अब भी ट्रॉइड हार नहीं मानता है और उनसे लड़ने लगता है। तभी एक क्रीपर उसकी तरफ तेजी से आता है, जिसके हाथ में एक पिचफोर्क था जिससे ट्रॉइड को ही मारने वाला था, लेकिन ट्रॉइड उसे बुरी तरह पीटने लगता है। पर तभी दूसरा क्रीपर ट्रॉइड पर अटैक कर देता है, जिससे बचने के लिए ट्रॉइड उस पिचफोर्क को उसके पेट में घुसा देता है। फिर वो उन सभी क्रीपर को एक एक करके मौत घाट उतार देते हैं, जिसके बाद में वो चैंडी को लेकर मार्च में जाने लगता है, क्योंकि मियाँ ने उसे कहा था कि ये लोग मार्च में नहीं आ सकते हैं। इनके पीछे नोआ भी मार्च में आ जाता है, लेकिन एक क्रीपर मार्च में आकर नोआ पर हमला कर देता है और ट्रॉइड अपने कजिन को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक क्रीपर नोआ को उठाकर दलदल के बीचों बीच फेंक देता है, जिससे कि वह दलदल में डूबकर मर जाता है। ये देखकर ट्रॉइड गुस्से में आकर उस क्रीपर को एक शॉल से मार गिराता है और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये मूवी कुछ क्रीपर के ऊपर बनी हुई है जो कि वेस्ट क्रेवर नाम की जगह पर रहा करते थे। उस जगह पर नोआ और उसके दोस्त वेस्ट क्रेवर में फंस जाते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये उनके लिए एक एडवेंचरस ट्रिप होगी। नोआ जैसे तैसे अपने भाई ट्रॉइड को वहाँ पर उन्हें बचाने के लिए बुलाता है, लेकिन उनके आने के बाद में भी वो क्रीपर नोआ के दोस्तों को मार डालते हैं और ट्रॉइड अपना बदला लेने के लिए सभी क्रीपर को मार डालता है। तो दोस्तों, किसी लगी आपको ये मूवी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। तो अब मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में।